दोस्तों, टाटा कंपनी का भारत को विकसित करने में जो योगदान है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भारत अब जल्द ही टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस कंट्री जापान तक पहुंच ही जाएगा। टाटा कंपनी आज किसी भी नाम की मोहताज नहीं है। टाटा कंपनी आज घर घर में इस्तेमाल होती है, फिर चाहे टाटा नमक हो या टाटा चाय पत्ती। डिमांड ऐसी है कि मार्केट में धड़ल्ले से बिकती है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी और न जाने क्या क्या, जाने अनजाने आप इनका इस्तेमाल भी कर रहे हो। आज टाटा समूह की कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में सुई से लेकर टैंक तक का कारोबार कर रही हैं। दोस्तों, टाटा एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने साथ साथ देश के बारे में भी सोचती है, और इस बार टाटा कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है कि और एकाध कंपनी भी ऐसा कारनामा कर दे तो हमारा देश भारत और भी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि टाटा आखिर क्या करने वाली है तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हाल ही में टाटा ग्रुप ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से हमारे भारत की डिपेंडेंसी को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट को छापा गया। इस रिपोर्ट के हिसाब से टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने टाटा कंपनी को लेकर एक खुशखबरी बताई। एन चंद्रशेखर ने एक रिपोर्ट में ये बताया कि टाटा ग्रुप पूरी तरह से फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी को तैयार कर रही है, जिससे पूरे देश का एक बड़ा फायदा होगा। एन चंद्रशेखर के हिसाब से अब टाटा ग्रुप बहुत जल्द ही अपनी एक बैटरी की कंपनी लॉन्च करने जा रही है। यहां तक कि इस कंपनी का ब्लूप्रिंट भी टाटा कंपनी के द्वारा रेडी कर लिया गया है। अब बारी है तो सिर्फ लॉन्चिंग की। दोस्तों, हमारे भारत में चीन, साउथ कोरिया, जापान जैसे बहुत सारे देशों से लिथियम आयन सेल्स बैटरी को इंपोर्ट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है ना कि ये बैटरी उनके द्वारा उनके देश में बनाई जाती है, तो डिजाइन भी उनकी कैपेबिलिटी को देखकर ही बनाया जाता है। लेकिन जब इस बैटरी का यूज भारत में किया जाता है तो भारत में इसका नेगेटिव इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आग लगने की खबरें कुछ ज्यादा ही सुनने को मिल रही हैं। और अगर इसी बैटरी को हमारे भारत में बनाया जाता है तो बहुत हद तक इस इंसिडेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी को देखते हुए टाटा कंपनी अपने नए यूनिट पर काम कर रही है, जो कि गुजरात में दुलेरा स्मार्ट सिटी में है। यहीं पर इन लिथियम सेल्स और बैटरी पैक को बनाया जाएगा। एन चंद्रशेखर ने बताया कि जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि आने वाले वक्त में इस चीज की डिमांड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी। और यही वजह है कि इस साल टाटा एक या दो नहीं बल्कि 3-3 यूनिट्स पर काम करने वाली है, जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पर दिया जाएगा। टाटा कंपनी के मुताबिक इसका फायदा टाटा ग्रुप के साथ हमारे भारत को भी होगा, जिससे कि दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी और हम अपनी चीजों को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे हमारा इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा रहेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, बीते कुछ दिनों में कई नए कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लॉन्च किया गया है। इस कॉन्सेप्ट में शामिल है टाटा कर्व, टाटा एवेन्या, टाटा एस ईवी और टाटा ईवी मैक्स। टाटा का प्लान है कि वो इनमें से कुछ व्हीकल्स को 2025 तक लॉन्च करेगी। टाटा कंपनी ये चाहती है कि वो व्हीकल्स को लॉन्च करने से पहले वो देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी के ऊपर काम करेगी। कंपनी के हिसाब से कंपनी के कुछ व्हीकल्स जैसे टाटा मोटर्स की नेक्सॉन या टैगोर ईवी, जिन्हें भारत में अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला है, इसी रेस्पॉन्स को देखते हुए टाटा मोटर्स न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर काम कर रही है बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियों पर भी काम कर रही है, और इन सब के कुछ मॉडल्स को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, टाटा कंपनी इतना फास्ट चल रही है कि कुछ ही दिनों में टाटा हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को भी लॉन्च करने वाली है। दोस्तों, टाटा ने अभी हाल ही में एक कार को लॉन्च किया है जिसका नाम है एवेन्या। इस कार को अब तक की सबसे ज्यादा एडवांस कार माना जा रहा है, जिसे 30 मिनट की फास्ट चार्जिंग के बाद 500 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। आप इस कार को देखोगे ना तो यकीन मानिए इसके फैन हो जाओगे। टाटा एवेन्या का डिजाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कार जैसा दिखता है और इसे काफी फ्यूचरिस्टिक जैसा बनाया गया है। ये कार सिग्नल कॉम्पैक्ट का यूज करती है, यानी इस कार के स्टीयरिंग व्हील पर टच पैनल दिया गया है और इससे कार के सारे फीचर्स आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस कार की सबसे अट्रैक्टिव चीज है तो वो है इसका लुक, जो बहुत ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी सीट 360 डिग्री तक रिवॉल्व कर सकती है। जी हाँ, इस कार की पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही सीट 360 डिग्री तक घूम सकती है। टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखर का कहना है कि भविष्य की कारों के लिए सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा अहम होगा। ये AI मशीन लर्निंग पर आधारित होगा, जैसे कि नए टाटा एवेन्या कार में है।
तो दोस्तों ये थे टाटा के वो डिसीजन जो भारत के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना।